जम के शबाब तेरा एक आफताब बनकर मेरे दिल की धड़कनों में हर दम यही दुआ है तेरी चलन में नुज़हत तेरी भवन में निकहत तेरी सलामती पर सो जान भी फिदा कि मेरे ना कर दी है जी ए चीज़ा खाने ला ना कर दी है रोलो पैदा टर्किश फूड सब तो हेल्थी फूड है एस आज दे दौर च आई थिंक नहीं आई नो बिकॉज काफ़ी बिजनेस टर्किश शॉप इतने खुल चुके Hi, I'm just looking, sorry. This is all fish, yeah? Right. Thank you. This is a which country food is this? Which country food is this? Oh, Ghanaian, okay. These toilets are 80 se leke 90 tak aur मुझे पता है 80s में मैं खुद यहाँ आके यूज़ करता था ये टॉयलेट कई बार तो उसके बाद ये बंद रहा है काफ़ी देर बंद रहा है और उसके बाद हमारे लोगों ने ये टॉयलेट्स ख़रीद लिए थे प्राय कोई बंगाली एशियन कम्युनिटी थी उन लोगों ने ये टॉयलेट्स ख़रीद लिए और ख़रीद के इन लोगों ने रेनोवेट किया और इसके अंदर मस्जिद खोली थी यस यू हर्ड मी राइट कि ये टॉयलेट्स एक ज़माने में मस्जिद भी थी और यहाँ बच्चे भी पढ़ते थे दर्स के लिए आते थे और साथ में यहाँ जुमा भी होता रहा पांच वक्ती नमाज भी थी इधर सो पूरी मस्जिद ये एज रन कर रही थी यहाँ थैच हाउस के बाद मगर आई थिंक कोई एक साल कोई छः महीने आठ साल ये रहा है एज अ टॉयलेट एज अ मस्जिद सॉरी इन टू टॉयलेट इट कन्वर्ट इन टू मस्जिद तो उसके बाद इन लोगों ने पत्नी चौक की वजह से रहा ये जो मेन चौक है उसकी वजह से शायद गवर्नमेंट ने काउंसिल ने इजाज़त नहीं दी तो ये बंद हो गई थी और उसी के साथ आग ट्रैफिक लाइट से सीधे चले जाए वहाँ से ट्रैफिक जा रही है सीधे चले जाए आप वहाँ एक पब था और पब के अंदर इन लोगों ने पब खरीद के वहाँ एक मस्जिद बना ली मगर ये हिस्ट्री है हमारी इस तहशास की के हमारे इलाके के टॉयलेट के अंदर भी मस्जिद बन सकती है मगर काफ़ी जैसे पब्स हैं पब्स के अंदर मस्जिद बनी है मैंने देखी वो जैसे लेटन स्टोन ये बनी है इसके बाद और चर्च में काफ़ी मस्जिदें कन्वर्ट हुई है फ्रॉम चर्च टू मस्जिद तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रॉपर्टीज़ यहाँ जो बड़ी होती है लोग अपनी अपनी मस्जिद खोल लेते हैं तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा ये हिस्ट्री है हमारे लेटन स्टोन की माशाल्लाह ये मस्जिद है जी बर्जिस रोड चौबन रोड की मस्जिद के नाम से ये मशहूर है यहाँ मेरे बच्चे आते रहे पढ़ने के लिए ये इंडियन गुजराती हैं वो लोग इनका कंट्रोल है इसके अंदर मगर माशाल्लाह छोटी सी मस्जिद है मगर काफ़ी नमाजी आते हैं पढ़ने के लिए ये लो जी दिस इज़ ओलंपिक सिटी वेस्टफील्ड E20 छोपन स्कूल नया स्कूल है सो एवरी थिंग इज़ बिल्ड न्यू हेयर सो इसके पीछे क्लिनिक्स भी है एक जी पी भी है स्कूल भी है रेस्टोरेंट्स भी हैं और ये देखो फ्लैट्स सिटी न्यू सिटी सो इट्स ब्यूटीफुल हाफ मिलियन पाउंड के ये घर हैं
हाफ मिलियन पाउंड के। रब्बे रहमान है तेरा एहसान के मेरे कारवां की हुई पहचान, ताहिर है मेरी जान, अल्हम्दुलिल्लाह, सलातु व सलाम अला रसूलिल्लाह। ऐ रब्बे रहमान है तेरा एहसान के मेरे कारवां की हुई पहचान, ताहिर है मेरी and I done almost coming to 8,000 steps and thoda rada aise hi agge jaane da magar sakht sardi hai and gloves main nahi leke aaya uski wajah se I am literally struggling to keep my hand out of my pocket and to do a vlog so I had to hold the camera and joystick so this why I can't feel my fingers to usdi ek hai reason hai I'm just going to cut out and I'm almost I done by 8,000 steps so I think is enough for today ते एक एक खौफनाक एक बड़ी दुख वाल मैं फोन कॉल आया मेरे दोस्त का तो साड़ा बहुत अजीज लाइक ब्रदर ओल्ड ब्रदर एंड लाइक अ फैमिली एंड पाकिस्तानों इतला पहुंची है कि अज उन्होंने ही फास्ट अवे एंड अज बेचारे फोत हो गए तो काफ़ी दिनों दे बीमार सन मगर ही वेंट थ्रू अ लॉट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम मगर उन इस टाइम तो पाकिस्तान से ही तो देखो पाकिस्तान अल्लाह लैके सो ही वॉज इन एन हॉस्पिटल एंड नमोनिया बेचारे ने है सी एंड अज ये इतला मिली है कि अद्धा घंटा भला दम दे चुके देखो जी कोशिश करोगे जो बंदा है छोटा है यंग एज ओल्ड एज मिडल एज औरत मर्द बच्चा बच्ची जो है कोशिश करोगे तो अपने आप में फिट रखोगे यकीन करो जिंदगी मौत खुदा दे हाथ है मगर जो साढ़े हाथ से है ना भरा एक सेहतमंद जिंदगी गुजारना वो असं बेशक गुजार सकने हैं तो उसकी वजह काफ़ी साड़ी फैमिली काफ़ी साड़ी एजिंग कम्यूनिटी पाकिस्तान तो लैके इतने तक देख लो काफ़ी मसला है जिंदगी सेहत का बिकॉज साढ़े बंदे अनफिट रिच फूड खा के देखभाल नहीं करते एक मेरा दोस्त इस्लामाबाद का दोस्त है बहुत अच्छा दोस्त है वो कल जा रहा है बाईपास पास है इन लाहौर एंड मे अल्लाह गिव हिम शिफा एंड गिव हिम गुड हेल्थ एंड पूरी जिंदगी उसकी गुजारी है मतलब उस एक्सरसाइज नहीं किया आराम है कोई दो कदम चलिया या कोई असना एक्सरसाइज की है या कोई डाइट देखी जो बड़ा सिगरेट बड़ा स्मोकर सी मगर फिर भी दुख होंगे मैं खुद सिगरेट पीता रहा कल मैं दसिया कि कितने सिगरेट पीते मगर देखभाल करनी चाहिए बंदे की बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के घर है अल्लाह के हाथ से है तो देखो साढ़ा वड्डा भरा अज फोत हो चुका पाकिस्तान के अंदर मगर काफ़ी सो काफ़ी हिसाब न देखभाल करो अपनी लुक आफ्टर करो एंड कम से कम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हो उल्ला टाइम आमदा वक्त आमदा अपनी जिंदगी की कमाई इंजॉय करने वास्ते ओला की होंगे अल्लाह ने प्यारा हो जाता है नमाशाला इस भाई को साड़ा ब्रदर को सो सोच नहीं सकते इतना अल्लाह अजवाया सी विद वेल्थ मगर देखो टू सून सो लुक ऑफ योरसेल्फ एंड हो सके सब्सक्राइब लाजमी करना एंड सपोर्ट करो मनो उतनी सपोर्ट करोगे उतना मैं जज्बेला बाहर निकल के और वीडियो बनावांगा एंड शायद मेरी वीडियो सानू मोटिवेट कर सकती है बाहर निकलने वास्ते हेल्थी खाने वास्ते तो कोशिश कर रहा खुद
और तुसां लोकां वास्ते भी कि कोशिश करो, इवन पाकिस्तान हो, रोटी खा के बाहर निकल जाओ, राइट, मौसम ही अच्छा है, इस बात करो, अच्छा खाओ, हेल्थी खाओ एंड अपने आप के नाल यूज़ करो। स्पीकर फिर ऑन हो गया तो इसलिए मैं थोड़ा व्लॉग ख़त्म करना। एंड आज सुबह बड़ी हिम्मत में दिखाई है एंड बहुत हिम्मत दिखाई है, मैं टेम्प्टेड बहुत होया बिकॉज मेरी जो कमज़ोरी सी पूरी ज़िंदगी मैं वाइफ न आके वो मैं खाता हूँ सा एटलीस्ट ट्वाइस और थ्री टाइम अ वीक, तो अज मेरी वाइफ मेरे पूछे बगैर अज लैन दी एंड मैं बिल्कुल नहीं खाता, तो वो इंशाल्लाह इस दे बाद वो भी वेख ले कि के चीज़ सी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, लुक आफ्टर योरसेल्फ, लव यू ऑल एंड हो सके प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो बंदे ने सब्सक्राइब किया है हैट्स ऑफ, थैंक यू वेरी मच, बड़ी खुशी हुई है एंड पीपल आर सपोर्टिंग मी एंड फॉलोइंग मी एंड देखो जब हो सकता है मैं कर एंड अल्लाह है करे, अल्लाह जिंदगी सोना सारे देवे सेहत देवे एंड जस्ट लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम। ये देखो जी के चीज़ आई है मैनू ब्रेकफास्ट टाइम ते, मैनू बिल्कुल पता नहीं सी कि मेरी वाइफ चूरी बना के मैनू दे रही है। एक जमाने च चूरी मेरी बड़ी फेवरेट सी तो बड़ी खाधी है, मैं खुद डिमांड करके खाता हुंदा सा, मगर हुण इस टाइम ते मैं काफ़ी अपने आप नू यू ना कंट्रोल कर रहा कि इहो दी चीज़ां ना खावां जो अफेक्ट देंदियां ने, मगर की कवे इन्हां नू। एंड एक जमाने च अपनी हीर अपने रांझे नू चूरी खवाली हुंदी सी, मगर वो रांझा रा कम बड़ा करता सी, मझ चुरांदा सी, रा एक पाकिस्तान सी, गर्मी सी, तो मेरी हीर अपने रांझे नू ए खवाल के पेट ही निकल रहा और कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज इत्थे कम इतना सख्त नहीं ना, सब कुछ हर काम बैठ के होंदा है। तो बस इो मैं कहूँगा अल्लाह दाज दे हर जनानी नू जो अपने जरे नू फिट स्मार्ट नहीं देखना चाहती एंड एक बारी फिटनेस वापस आ जाए फिर देखे की होंदा, दसे की होंदा।